मैं हूं आपके साथ अमरीश कुमार चौहान और आज मैं आपको जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिले किश्तवाड़ के उपखंड पाडर के मचेल गांव अरनाज हेल्थ स्पॉट के प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा दिखाने जा रहा हूं। मुझे आशा एवं उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। गुलाबगढ़ से कुंडेल गांव तक गाड़ी में सफ़र करने के बाद अब और आगे सड़क की सुविधाएं ना होने के कारण हमारी बाकी की यात्रा पैदल शुरू होती है। घने जंगलों के बीचों बीच खुली हवा में सांस लेते हुए हम जिसोती हमूरी से होते हुए आखिर माँ मचेल वाली के पवित्र एवं पावन भूमि पर पहुंच जाते हैं। चंडी माता एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही हम आगे बरनास की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रकृति के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए लगभग 4-5 घंटों के सफर तय करने के बाद आखिर हम मचेल गांव के बरनास धार में पहुंच जाते हैं। बरनास के प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखने योग्य है। दोस्तों वैसे तो बरनास में कई ऐसी झीलें हैं जो देखने योग्य हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरनास में एक ऐसी झील भी है जहां व्यक्ति के धर्म और पुण्य का पता लगाया जा सकता है। हालांकि झील के इतिहास की कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि लोग जब इस झील का दर्शन करने आते हैं तो वे हलवा पूड़ी बना कर लाते हैं और उस बनाए हुए हलवा पूड़ी को झील के अंदर डाल देते हैं। ये कहा जाता है कि जिसने धर्म किया होगा उसकी पूरी डूब जाती है और जिस व्यक्ति ने पाप किया होगा उसके द्वारा चढ़ाई गई पूरी पानी के ऊपर ही रहती है। केवल इतना ही नहीं, बरनास में और भी कई ऐसे स्थल हैं जहां पहुंचकर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वह स्वर्ग में खड़ा हो। बरनास में एक ऐसी चट्टान है जिसके मध्य भाग से पानी बह रहा है जिसे हम भीम पानी भी कहते हैं। कहा जाता है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे तो वह एक दिन मचेल के बरनास में पहुंचे। बरनास पहुंचते ही धर्मराज युधिष्ठिर को प्यास लग गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम से पानी मांगा। ये सुनते ही पांडवों में सबसे शक्तिशाली धर्मराज गदाधर भीम ने अपनी गदा से उस पर्वत के मध्य भाग पर जोर से मारा। गदा के चट्टान से टकराते ही चट्टान के मध्य भाग से पानी की जलधारा निकल आई। सभी पांडवों ने वहां पानी पीकर अपनी प्यास को शांत किया। ये पवित्र चश्मा आज भी मचेल के बरनास में उपस्थित है। माँ चंडी माता के दरबार में जाने वाले प्रत्येक पर्यटक से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि वह माता रानी के दर्शन करने के पश्चात इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करना ना भूलें। पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि बरनास जाने का सही समय जून जुलाई और अगस्त का ही है, क्योंकि उस समय वहां हमें प्रकृति के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं और इस समय वहां ठंड भी बहुत कम होती है। दोस्तों लोग कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग नहीं है,
और यदि है तो केवल और केवल कश्मीर में ही है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार देवभूमि पार्लर में ज़रूर आएँ।